अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटी, मसाइल और मवाके। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है, स्टर्व द प्रॉब्लम फीड द अपॉर्चुनिटी, यानी मसाइल को भूखा रखो, मवाके को खिलाओ। ये बहुत बामायने बात है, बल्कि ये कहना सही होगा कि यही मौजूदा दुनिया में सक्सेस का सबसे बड़ा राज है। जो शख्स इस गहरी हिकमत को जाने और इसको यूज़ करे, वही इस दुनिया में सक्सेस होता है। जो शख्स इस हिकमत को ना जाने और इसको यूज़ ना कर सके, इसके लिए अनसक्सेस के सिवा और कोई चीज़ मुकद्दर नहीं। रियलिटी ये है कि मौजूदा दुनिया में आदमी हमेशा दो किस्म की चीज़ों के दरमियान रहता है, एक मसाइल और दूसरा मवाके, यानी एक प्रॉब्लम्स और दूसरा अपॉर्चुनिटी। हमेशा ऐसा होता है कि आदमी कुछ प्रॉब्लम से घिरा हुआ होता है, इसके साथ हमेशा ये होता है कि आदमी के आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है, इसमें कुछ कीमती अपॉर्चुनिटी मौजूद होती हैं जिनको भरपूर यूज़ करके वो सक्सेस की मंजिल तक पहुंच सकता है। ये सूरत हाल एक फ़र्द के साथ भी पेश आती है और एक पूरी कौम के साथ भी। यही वो मकाम है जहां मौजूदा दुनिया लोगों का इम्तिहान ले रही है। जो शख्स सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को देखे और उसमें उलझ जाए, वो अपनी अपॉर्चुनिटी को खो देगा। इसके बरक्स जो शख्स अपॉर्चुनिटी को देखे, वो इनको भरपूर यूज़ करे, वो प्रॉब्लम्स में ज़्यादा तवज्जो ना दे सकेगा। प्रॉब्लम्स को खिलाना अपॉर्चुनिटी को भूखा रखने की कीमत पर होता है। इसी तरह जो शख्स अपॉर्चुनिटी को खिलाए, वो इस कीमत पर होगा कि इसके मसाइल भूखे रह जाएं। ये एक हकीकत है कि अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए हमेशा प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करना पड़ता है, और यही एक्सपीरियंस बताता है कि प्रॉब्लम्स में उलझना कभी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। आखिरी नतीजे के तौर पर वो सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करने के हम मायने हैं, यानी सिर्फ वो अपने वक्त को ज़ाया करता है। मगर जो शख्स अपने आप को अपॉर्चुनिटी के यूज़ में लगाता है, वो ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट अचीव करता है, बल्कि उसकी सक्सेस इनडायरेक्टली तौर पर उस चीज़ को भी सॉल्व कर देती है जिसको वो प्रॉब्लम्स कहता है। तो दोस्तों, ये ज़बरदस्त किस्म की एक हमारे लिए बात थी। तो जिसको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।